हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नूपुर्स किचन। आज के वीडियो में हम कुछ बना नहीं रहे हैं, आज हमने कुछ ऑर्डर किया है बाहर से। जब से ये कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने बिल्कुल भी ना बाहर खाया है ना बाहर से कुछ ऑर्डर किया है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव ऑर्डर्ड, एंड बीइंग अ लखनवी आई एम अ ट्रू बिरयानी फ़ैन, एंड आई हैव ऑर्डर्ड दिस वन फ्रॉम बहरोज़ बिरयानी। I was ordering this first time, so मेरे मन में बहुत सारे questions थे कि quantity कैसी होगी, it will be good in taste or not. So I just thought कि ऐसे questions और लोगों के मन में भी होते होंगे, तो क्यों ना इसका एक video बनाया जाए। तो आज मैं ये video आपके लिए लेकर के आई हूँ, my first vlog. तो हमने ये order किया है regular chicken tikka biryani, जो कि है 415 rupees का, और कुछ Zomato का discount लगा के ये हमें 383 का पड़ा है। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि उन्होंने साथ में यहाँ पे सैनिटाइज़र भी दिया है, जिससे हम लोग बिल्कुल भी भूले नहीं सैनिटाइज करना। तो लेट्स बिगिन। बाय द टाइम मैं ये पैक ओपन करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। राइट साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फूड वीडियोज़ हैं, वो भी ज़रूर देखिए। सो दी गुड थिंग इज़ कि बिरयानी इज़ स्टिल हॉट। इसके साथ हमको मिर्ची का सालन मिला है, एक गुलाब जामुन है, मिंट रायता है, एंड नाउ लेट्स ओपन इट। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन इज़ हैला, चिकन कहाँ है? ओके ओके, चिकन पीसीज हैं अंदर, ऊपर वाइट राइस है, कुछ आलमंड के फ्लेक्स हैं, और अंदर मसाले वाला चिकन है, और साथ में चिकन टिक्का के पीसेस हैं। अब मैं ये आपको प्लेट में ट्रांसफ़र करके दिखाती हूँ कि आपको उससे एग्जैक्टली क्वांटिटी का आइडिया हो जाएगा, और मैं इसको टेस्ट करके भी आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। तो मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड चिकन बिरयानी की जैसी ही है, और साथ में इसके जो हमें गुलाब जामुन, मिंट रायता और सालन भी मिला है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हमें पता है कि ऑल अक्रॉस इंडिया बहुत सारे बिरयानी के वेरिएंट्स हैं, तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं इसका फ़र्स्ट बाइट लेके आपको बताती हूँ कि कैसा इसका फ्लेवर है। तो इसमें मुझे इसमें कुछ केवड़े का एसेंस भी पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे मसाले हैं और फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं आपको ये पूरा खाने के बाद ही आपको इसका पूरा रिव्यू देती हूँ। Okay, so I had my biryani. The biryani was too good. It was full of flavors. जो एक अच्छी बिरयानी की पहचान होती है कि राइस अलग अलग होना चाहिए, वो था, फुल ऑफ फ्लेवर था। फॉर दिस वन आई विश देयर वाज सम मोर चिकन पीस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्वांटिटी वाज जस्ट द स्टैंडर्ड वन, जैसे और ब्रांड्स की होती है, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ, बैंगलोर में बहुत सारे बिरयानी के ऑप्शंस हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द चिकन बिरयानी कम्स इन अ बिग पैन वेयर टू पीपल कैन ऑल्सो हैव इट, टू मीडियम हंग्री पीपल, नॉट द सुपर हंग्री वंस। सो द क्वांटिटी वॉज गुड। If you ask me, will I order it again? Yes, I'll order it again from Behrouz, and maybe I'll order some other variant. So this is, but this video is not a sponsored one. This is my personal review, and you should order this and try it on your own. Tell me in the comment section if I have forgotten to answer any of the questions. Ask me in the comment section. I'll reply to your comment. And by the time you can subscribe to my channel, look at my other cooking videos and my other videos, and we'll meet in some other video. Thank you and bye.